हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ट्यूटरिंग कुरुवर क्लासेस। हाई स्कूल परीक्षा में चार अंक संस्कृत परिचायिका के श्लोक के लिए, श्लोक को संदर्भ सहित व्याख्या करना रहता है और चार नंबर आपका पक्का। आपको हम तीन चार श्लोक दे रहे हैं, उसमें से गारंटी है इसको मिलने की। पहला श्लोक मरणम शिष्टाटों को मेते में समाप्त होता है, जो मैं श्लोक है श्लोक में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम शाकासी के नमीयते। पहले तो हम संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसमें वाराणसी की पवित्रता का व्याख्या किया गया है, वाराणसी के पवित्रता के बारे में व्याख्या हुआ है, और इसमें अब हिंदी का अनुवाद हम आपको बताने चल रहे हैं। इसका एक बार श्लोक फिर से पढ़ेंगे। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम अकौपीनम यत्र कौशेयम शाकासी के नमीयते। जहाँ मरणा भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती है, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो काशी। दूसरा है सर्वे से स्टार्ट होकर भवेद में समाप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99.99% अपने आएगा। तो सर्वे भवति सुखना सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्रान पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्लोक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, और पहला वाला श्लोक वाराणसी से लिया गया है। तो इसका जो हिंदी में अनुवाद होगा, सब सुखी हों, सब निरोगी हों और सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख किसी को ना आए, अर्थात कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, ये इसका अर्थ है। संदर्भ आप लिख लेंगे उसी हिसाब से जो मैंने आपको बताया। तीसरा चैप्टर नंबर 3 से है वीरा वीरेण पूजते से लिया गया है, वीरा वीरेण पूजते से लिया गया है। इस श्लोक का मैं श्लोक पढ़ दे रहा हूँ। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। इसका जो अर्थ निकलेगा, तो पाठ का नाम मैंने बता दिया चैप्टर का, वीरा वीरेण पूजता से लिया गया है, और इसका हम संदर्भ लिख लेंगे। इसमें श्लोक में जो है वीरता के विषय में व्याख्या किया गया है, बताया गया है। हिंदी अनुवाद क्या होगा इसका? बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर सम्मान को प्राप्त करता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। इस प्रकार इसका अर्थ होगा, और इतना ही से आपका पूरा परीक्षा में मिल भी जाएगा और अच्छा नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन श्लोक मैं आपको और बता दे रहा हूँ, चार श्लोक हो जाए, तीन हुआ है। हतो या प्राप्तसि स्वर्ग जित्वा वा भोज्यसे महीम और निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतो जरा। इसका जो पाठ का नाम है वीरा वीरेण पूजते से है, और इस श्लोक का जो अर्थ होगा वो है, यदि मारे गए तो, अगर युद्ध में जो आप मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के सुख भोगोगे। तो ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। इसमें जो है अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, महाभारत में युद्ध जब हो रहा था उस समय की घटना के बारे में यहाँ व्याख्या किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं आपका ही संस्कृत परिचर्या का श्लोक, इसका आप व्याख्या करेंगे और अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे, चार नंबर आपका ही फिक्स है। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।